So I have all my students here with me, and I would like to talk to you all about your experience with Qt8 as of now, as a Qt8 for creator, as a student, as your experiences here, how has it been? And that's what I'm going to ask all my students, and also that how Qt8 changed your life and why you would recommend people to work with Qt8. So I would like to start with Rahi. Hello. Hello. Hi. Yes. Hi. Yes. So मैं Qt8 में पहली बार ऐसे ही सर्चिंग करते करते यूट्यूब में मुझे मिल गया था Qt8 क्वांटम डायनामिक 8. इतना पता नहीं था, बट मैं धीरे धीरे टैरो रीडिंग देखने लगी, इंटरेस्टेड लगा, एक्यूरेट होने लगा, रीडिंग्स एक्यूरेट होने लगे, अच्छा लगने लगा. फिर मेरे कुछ इमोशनल ट्रॉमा थे जो बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे. मैं चिरुसी को कांटेक्ट किया मैंने, और फिर सी टोल्ड मी के आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हैं बहुत, तो आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए अपने इमोशनल बॉडी से. कुछ पेन जो इनर वर्क करते हैं कि अंदर जाके गो विद इन एंड पेन को, उन्होंने मेरे साथ 1-to-1 क्लास करके मेरा जो इमोशंस थे, जिसके लिए मेरे बहुत सालों से पहले से जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे मेरे से, तो वो बहुत कम गया. क्यों? क्योंकि रोशनी ने मुझे समझाया कि क्यों होता है, कैसे समझा जाता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं. रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हर एक चीज़ मैं धीरे धीरे सॉर्ट आउट करने लगी. और जैसे वो समझाती गई, मैं उतना ही करती गई हमेशा. फिर उसके स्टूडेंट बनी सिंक्रोनिसिटी, और फिर बहुत सारे मैं उसके वर्कशॉप किया है, मैंने मैनिफेस्टेशन किया है. तब से मुझे मैनिफेस्टेशन क्या है, ट्विन फ्लेम्स क्या है, ये सब पता चला. उसके ऊपर मैंने जो मेरा लोनलीनेस था कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी, फ्रेंड्स नहीं थे, सोल फैमिली मिला मुझे, फिर उससे बात करने लगी मैं. तो ऐसे धीरे 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 मेरी लाइफ बहुत चेंज होने लगी. इवन मेरे ट्विन के साथ मेरा यूनियन भी हो गया. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कभी चिरश्री से जुड़ी थी, एंड आगे भी मैं कोशिश करूँगी हमेशा चिरश्री से जुड़ी रहूँ और Qt8 की स्टूडेंट. फिर अभी मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ खुद. चिरश्री ने लीव दिया है मुझे, उसके मैं कुछ पैसे इनकम कर भी रही हूँ घर बैठ के कोरोना के टाइम में. थैंक यू चिरश्री, मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला. और जैसे कि अपने इमोशंस को मैं बहुत इनर वर्क कर चुकी हूँ एंड करना भी चाहती हूँ, और करते हुए मुझे समझ में आता है कि क्यों इनर वर्क है और क्यों करना चाहिए, क्यों अपने अंदर के इमोशंस, जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको लेकर हम जी नहीं सकते, उसको छोड़ना ही है. अभी आपको पता चल रहा है तो आपको छोड़ना है. आपको पता नहीं है वो अलग बात है, पता करने की कोशिश कीजिए, भगवान से डायरेक्ट बातें कीजिए. ऐसा नहीं है चिरश्री हमेशा भगवान से बातें करती रहती है, कृष्णा से बातें करती रहती है, मुझे अच्छा लगता है. एंड आई ट्राइड विथ माय अल्लाह एंड नमाज के टाइम एंड बहुत टाइम मुझे चैनलिंग कभी कभी आते हैं, तो हाँ ऐसा है वैसा है, एंड चिरश्री मुझे बता देती है कि अच्छा आपके लिए ये प्रॉब्लम है, अभी ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो शी इज वेरी हेल्पफुल कि मैं कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे पूछ सकती हूँ मैं. एंड मैं जुड़ी हुई इस चैनल से, यूट्यूब के चैनल से, फिर अभी दोस्त बन गए हम लोग, सोल फैमिली हैं, और आगे तक हमारा ये बूट कैंप चल रहा है, अभी नवंबर में चल रहा है, अभी 1 month ही हुए हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने जाकर बहुत एक्साइटिंग सी चीजें मिलने वाली है मुझे, मेरा लाइफ पर्पस के बारे में बहुत सारी चीजें को पता चल गई है, मैं करने भी वाली हूँ, मैं बुक्स लिखने वाली हूँ. तो थैंक यू चिरश्री, मैं जितनी भी आपको थैंक यू बोलूं उतना बहुत कम है, क्योंकि समझाया आपने. थैंक यू, आई लव यू, लाइक ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर्स. आई लव यू टू. ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर्स लाइक वाज लाइक सो हार्ट ओपनिंग फॉर मी. सो एज आई ऑलवेज से कि हर एक चीज डिवाइन टाइमिंग में होते है, ये भी चीज डिवाइन टाइमिंग में हो रही है.
And in fact, this video that I'm making, Krishna asked me to make this video too. So thank you. Thanks thank a lot. You, thank you. Thank you. Thank you for trusting in me. Thank you for being one of my very first students who trusted in me despite the fact that chota packet bada tha. So yeah, thank you for trusting me. Seriously, thank you. So now moving on. You are my inspiration. Aur kya batau? I love you. Thank you. I love you too. Okay, thank you. Now moving to Deepika. Hello, hello. Hello. I just love you. And I would, like, I'm so overwhelmed already. The type of support I'm getting from you is unimaginable. And I've had this throughout my life where I used to feel that I'm a misfit or I don't belong despite having friends. So that support, so much I've got from you. I definitely recommend it to everyone. And that understanding which Rai was talking about, that we've understood how everything is you pushed out and your inner reality, because there were so many aspects of myself that I've met and it was like, oh my God, I had no idea I had this pain. And so many things about how one should live their life and just flow. I've actually started to love myself. I thought I was loving myself, but I never was actually. So that's the biggest gift you could have ever given me. And I think all my prayers have been answered. And that's through you. I just love you so much. I love you too. Thank you. Thank you just for being you. Thank you. Unconditional love, I actually felt it for you. Like Deepika and I, we actually are all from the same soul family. And she was the first soul sister who I recognized as my soul sister. Like in very recent times, like in physical reality, who I met and spoke to. She's also someone who's like, he was someone who I was like extremely happy and related to me, because you're really enthusiastic about spirituality. Like you love tea swan, so I love you. Get it. You get it. Wow, I'm thankful that I loved her because I got you. I love you. Like, I'm sure like it is our love for her that kind of connected us, because you know when we follow the same teacher, when we love the same teacher. Yes. Somewhere deep down that teachers, like students of the same teacher become same friends. Teacher. Yes. Thank you for being you. And you're also someone extremely talented with natural gifts of channeling. Yeah. Like she is born with the gift of channeling. Like she's a clairvoyant by birth. Seriously, is helping me to claim that and know actually what I can do, and she is doing a pretty good job so far. Thank you. And I'm so so thankful that I have you, and I know I'll get through this. There are a lot of pain things that are still there, but I know if you're there, I have that. But love, just how you, just like how, what relationship you have with T, do you think that if she's there, you don't even have to depend on Krishna? It's the same feeling I'm having for now. I'm really overwhelmed with whatever has happened today. You're in shock. Yeah, but if you are there and Krishna is there, then obviously I'll get through. I love you. And God loves you too. Thank you. Thank you. Now moving to Urmila. Hello. Hello. Yes. So how has your experience been with QDA? बहुत सारे एक्सपीरियंस है, क्या क्या बताऊं. ओके, सबसे पहले तो यही बोलूंगी
ओके थैंक यू जी रश्मि, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो याची आशीष से जब मैं मिली तो मुझे पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं और मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी. बट जब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला तो मैं एक ऐसे इनर वर्क को इनर वर्क समझ रही थी जो एक्चुअली इनर वर्क मेरे ख्याल से अब भी मुझे ये रियलाइज होता है कि इनर वर्क था ही नहीं. जहाँ मुझे ये बताया गया था कि ब्रह्म सुबह उठो सुबह के 3 बजे और चक्रास करो मेडिटेशन करो योगा करो ओम चैंटिंग करो एंड उसके बाद या मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली हर किसी की रिस्पेक्ट है, बट वो सब कुछ करके भी ना मैंने किया, वो सब कुछ किया मैंने, कंटिन्यू 1 मंथ तक ये सब कुछ मैंने कंप्लीट किया और कहीं ना कहीं मुझे वो अंदर से संतुष्टि नहीं होती थी. आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड दैट दिस सिचुएशन, कि मैं अलवेज स्टक हो जाया करती थी उस समय. एंड उसके बाद मैं पूरी तरह से कम्प्लीटली मैं स्टक हो गई थी. हाँ, मैं कुछ हद तक रिलीफ हुआ था कि मैं हाई वाइब्रेशंस में रहती थी, खुश रहती थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं स्टक हो जाया करती थी. मुझे एक ऐसे चीज की तलाश थी, मुझे नहीं पता कि मुझे, मैं हमेशा गॉड को बस एक ही सवाल करती थी कि गॉड प्लीज हेल्प मी कि मैं अपने इंट्यूशन पावर को कैसे बढ़ाऊं, मुझे कैसे पता चले कि मैं यहाँ किस पर्पस के लिए आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे वो बताऊं अलवेज. और उसके बाद मैं 2 महीने कम्प्लीटली स्टक रहने के बाद, चिरश्री को मैं बहुत वक्त से फॉलो करती थी, जब से मेरी अवेकनिंग शुरू हुई थी तब से मैं उसका टैरो रीडिंग फॉलो करती थी और अलवेज मेरे साथ मैच होता था, अलवेज रेजोनेट होता था. तो मैंने काफी टाइम चिरश्री को कंसल्ट किया, फिर छोड़ दिया, फिर कंसल्ट किया, फिर छोड़ दिया, नहीं जाना है जाना है, नहीं जाना है जाना है. फाइनली जब मैं एकदम चरम सीमा पर थी कि गॉड अब मुझे बताओ नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी, दैट टाइम मैंने चिरश्री को कंसल्ट किया और उसने मुझे फिर गाइड किया कि ठीक है तुम अभी मेरे इनर वर्क के क्लासेस चल रहे हैं तो तुम वहां पे ज्वाइन करो. एंड फिर मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद जो चेंजिंग मेरे लाइफ में आई है कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या चेंजिंग. एक्चुअली मुझे उसके पास जुड़ने से मुझे ऐसा लगा कि या यही तो चाहिए था मुझे, यही मेरा पर्पस है जिसके लिए गॉड ने मुझे बनाया. मुझे नहीं करना यार सुबह के 4 बजे उठ के अजब अजब ऑल टाइम चक्रास एंड मेडिटेशन नहीं होता यार मुझसे. मुझे एक्चुअली उसने मुझे वो बताया कि गो विद इन, सब कुछ जो भी है बाहर के रियलिटी में कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, बस जो कुछ भी है वो तुम्हारे अंदर है. तुम्हारा डीएम भी तुम हो, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम हो, तुम्हारी पूरी दुनिया तुम हो, अगर तुम खुद को बदल लो तो सब कुछ बदल जाएगा. दैट्स इट, मुझे चाहिए था. उसके साथ जुड़ने के बाद, मतलब चिरंजीवी के साथ ज्यादा दिन अभी नहीं हुए हैं, बस 2 महीने से मैं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या मैं खुद के अंदर जो हर एक दिन जो चेंजिंग आते हैं ना उसको मैं फील करती हूँ. और मैं इतना बता सकती हूँ कि चिरंजीवी थैंक यू सो मच, मतलब आपके वजह से मैं अभी जो भी हूँ, मतलब मैं लोगों को गाइड कर पाती हूँ. मेरे फ्रेंड सर्कल में जो कुछ भी होता था, मैं ही वो लड़की थी जिसको, जो कभी कभी किसी की कुछ प्रॉब्लम, इनफैक्ट मैं खुद के लिए भी कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता था ना तो मैं उस मासी के पास, उस काकू के पास जाया करती थी. हाथों में मैं जेम्स स्टोन पहना करती थी और अभी मैंने सब कुछ खोल के फेंक दिया है क्योंकि अब मैं खुद वो लड़की हूँ जो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती कि कोई कहीं जाए. इनफैक्ट मेरे फैमिली मेंबर में, मेरी फ्रेंड सर्कल में, मेरे खुद के लाइफ में जो कुछ भी किसी को भी प्रॉब्लम होता है मैं उन्हें गाइड करती हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कर पाती हूँ, बट एग्जैक्ट मैंने ये देखा है. बट मैं इसके लिए गॉड का और चिरश्री का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, रियली फॉर यू. आज मैं उन्हें गाइड करती हूँ और जो कुछ भी मेरे मुंह से निकलती है उस वक्त ना, मैं वो बाद में फिर मुझे जब कॉल करके बताती है अरे रियली वैसा ही हुआ जैसा तू बोली थी, मैं मुझे बहुत खुशी होती है. एंड थैंक्स टू गॉड की रियली मैं चिरश्री आपसे जुड़ पाई, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ होती और मैं ट्विन जर्नी को ही छोड़ चुकी होती, पता नहीं मैं सुसाइड कर लेती शायद. Thank you. And it all happens in divine timing, including this very thing that I'm telling. It's also happening in divine timing. Trust me, like,
it's all him. He is guiding the whole process. Like, we are very much in safe hands of Krishna. Like, yeah, he's our whole driving the carriage, and we're like, it's of Krishna. और सबसे अच्छा लगता है कि हर एक दिन जो चेंजेस आते हैं, हर एक दिन जो एनर्जी चेंजिंग आते हैं, उसके बारे में हमें पता चल जाता है. चिरश्री आप बता देते हो कि हाँ आज ये शिफ्ट है, आज वो शिफ्ट है. ये कभी भी किसी ने नहीं बताया, चाहे कितना भी ट्विन फिल्म कोच हो, कभी भी किसी ने नहीं बताया कि हाँ आज ये शिफ्ट है, आज वो शिफ्ट है. मतलब एक अंदर से जो इंसान का हील होना क्या होता है ना, वो मैंने आपसे सीखा है रियली. एंड पता चलता है. और अभी फिलहाल तो अपने फर्स्ट ऐसे कोच को मैंने देखा है जो इंसान जिसे मनी से कोई लगाव नहीं है. यार हर एक कोच तो जैसे मनी के लिए ही बैठे हैं, बट रियली मैंने कहा कि रियली मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि जिसे मनी से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि जो अपने साथ साथ दूसरों को भी रिग्रोथ करता है. जैसे मुझे आपने मेरे सोल पर्पस के बारे में बताया, मुझे आपने आइडिया दिया कि या कैसे मैं अपने आप को रिग्रोथ कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने सोल पर्पस को जी सकती हूँ, मैं कैसे अपने इनकम को, अपने बिजनेस को रिग्रोथ कर सकती हूँ. वो सारे आइडियाज कभी कोई नहीं देता. सो थैंक यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट, रियली थैंक यू सो मच. Thank you. Like, it really means a lot to me because we all see validation in life, you see. Thank you. And I love you. I love you too. Yeah. And very soon you will be hearing I love you too from your DM also. Oh God. I claim it. I also Thank claim it. You. Thank you. एंड आपकी वजह से मुझे एक प्यारी सी सोल फैमिली मिली. थैंक यू. सो दिस आर सम ऑफ द सोल फैमिली मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट विद अस एट दिस पॉइंट. वी हैव मोर सोल फैमिली मेंबर्स हु आर नॉट प्रेजेंट राइट नाउ इन द कॉल बिकॉज़ वी हैव कॉल्स ऑफन एट टाइम्स आवर क्लासेस गो ऑन टिल 6 AM. सो हाउ डू यू ऑल फील अबाउट द क्लास टाइमिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस? मैं बोलूं? हाँ, everybody just go ahead. Okay, बहुत मजा आता है मुझे. जब भी क्लासेस 6 AM तक चलते हैं ना, मुझे लगता है अरे ये क्या होता है, ऐसे तो मुझे नींद आने लगती है, बट जब भी क्लासेस रहता है तो मेरी नींद कहाँ भाग जाती है. It's like the most exciting part of the day, and we all wait. कब बजेगा ना? नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है क्लास कब खत्म होगी और उसके बाद मैं ये सारे बातें बोलूंगी, ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, पूरे पूरे दिन की बातें करूंगी एक दोस्त की. जैसे कि सारे लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं और पूरे प्रॉब्लम्स समझा रहे हैं, इवन गाइड भी कर रहे हैं, टैरो रीडिंग भी कर रहे हैं और फिर इनर वर्क भी कर रहे हैं पूरी रात जाग कर. मतलब एक एक दिन तो मेरा इतना अच्छा जाता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ, मतलब मैं डरती हूँ कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे कि रात रात भर कौन सा क्लास होता है. मेरे पापा ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कौन सी मैडम है रात रात भर क्लास करवाती है. मेरे साथ भी हो चुका है. मैडम का नंबर देना. ऐसा नहीं है कि हम लोग बस बातें कर रहे हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं, टैरो रीडिंग के बारे में जान रहे हैं, एनर्जी फ्लो के बारे में जान रहे हैं, बहुत सारे. जैसे कि कल 11/11 पोर्टल है, उसके बारे में हम लोगों को पहले से पता है कि 11/11 पोर्टल आने वाला है, एनर्जी चेकिंग है, इस दिन ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो वही एक एक्सपीरियंस अलग है कि हम लोग जब रात रात भर बैठ के बातें करते हैं, मतलब कुछ जानने को, बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है. एंड उसी टाइम हम लोग इनर वर्क करते करते किसी और लाइफ पर्पस के बारे में पता चलता है, अपना खुद का इनर वर्क करते हैं, साथ में हमारे डीएम, डीएम के मम्मी, डीएम के पापा, उनके तारों में. ये तो और भी फनी है, मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये हमें पता रहता है. मतलब ये सारी चीज कोई नहीं सिखाता. कोई नहीं सिखाता. ये सारी चीज कोई नहीं सिखाता. पहले तो पता भी नहीं चलता था कि डीएम क्या सोच रहा है, लेकिन अब कम से कम पता होता है. मतलब ये सीख लिया है, मतलब पूरी जिंदगी हम अप्लाई कर सकते हैं. थैंक यू जी रसरी के सिखाने के लिए कि कल जाकर अगर एक क्लास नहीं रहता है, फिर भी हम
या फिर हम कभी क्लास नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि आज सुबह हुआ था, हार्ट पे सबका पेन हो रहा था एंड हेडेक हो रहा था, जिसने हम सबको बताया कि ऐसा एक शिफ्ट होने वाला है, ऐसा है, गो विद इन, आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली सबको बताया गया है. इवन चिरश्री ग्रुप में ये सारी चीजें बताती है कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप इसको हील करो, आप खुद से करो, हमेशा गाइडेंस देती रहती है चिरश्री. तो ये बहुत मतलब बहुत अच्छी बात है कि ग्रो विथ टुगेदर, मतलब हम लोग एकदम एक साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं सबका प्रॉब्लम अलग है. हम जितने सारे यहाँ पे 7 लोग हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप के हैं एंड अलग अलग एज के हैं हम सब, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी अलग है, सबकी फैमिली मैटर्स अलग है, फैमिली के चीजें अलग है, कोई बेकार था, कोई काम करता था, ऐसे कोई घर में बैठ के, पर सबके पास अभी काम है. इन द मीन टाइम सबके पास कुछ ना कुछ करने का काम है, इनर वर्क करने का है, बहुत कुछ सीखने को मिल गया है. मतलब मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ, तो मुझे खुद से पता है, फेब्रुअरी से कर रही हूँ, कि मुझे मुझे अब लगता है कि मैं कुछ भी ना, मेरी मम्मी तो कल बोल ही चुकी है, कहाँ से एक बिजनेस इसको मिल गया है. Definitely more to grow, because definitely Qt for creators is going to expand a lot more. And for all of you watching this, like, I'm going to be making another recommendation video, because there are far more students in the community who I'm sure would like to contribute after this video goes up. So maybe tomorrow I'm going to record another video with the rest of the community members. But meanwhile, hearing this, you feel like you would like to work with me, in the description box below, you'll find all the details. Otherwise, you can get coached by them also. In the description box below, you will find the link to that. Reading, you get all the details you get. And one more good news, my courses right now are in discount for Tarot, KiCat, which is like a quantum master manifestation course. It's in massive discount and it has like, okay, Rahi, you have the course. How expansive is the course? मैंने पहले वाला 2-4 वीडियोस देखा है और उसके वहां पे हर एक चक्रा के बारे में बताया गया है. मैं कुछ ऐसे जल्दी जल्दी देख रही थी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो इसलिए मैं बहुत 1 घंटे का जो वीडियो था वो वाले पार्ट में मैं बहुत जल्दी दी. वहाँ पे कितने सारे चक्रास के बारे में बताया गया है, वहाँ पे हील करा जा सकता है कैसे, क्या वाइब्रेशन होते हैं, जैसे कि कितने सारे, वो मैं भूल गई हूँ कितने सारे, 51 मैं बार बार देखती रहती हूँ, वही वीडियो मैं बार बार देखती रहती हूँ. बाकी सारे जो है साइन दैट एनएलपी इज आल्सो देयर, एनएलपी के वीडियो भी है वहाँ पे, हाउ टू मैनिफेस्ट के वीडियो है, स्विच वर्ड्स है, हाउ टू मैनिफेस्ट. मैं एक बार पहले कोर्स भी ले चुकी थी, तो मैं अभी मैनिफेस्ट करना नहीं चाहती, मुझे अभी पता है कि मुझे क्या करना है, इनर हीलिंग करना है, तो मुझे वो हीलिंग की चीज जो जो चक्रास है उनको हील करना है. मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मुझे जो ट्रिगर होता है, मुझे जो पर्ज होता है, मैं वही सारी चीजों को करने लग जाती हूँ. तो वो बहुत हेल्पफुल है मुझे, मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल हुआ है. मुझे लग रहा है कि अगर आप सब करोगे तो आपको आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा. बट उसमें मैंने 51 चक्रास की बात की है, जो डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, गाया पोर्टल, सेलेस्टियल किंगडम, एंजेलिक रियान, गॉड्स रियान, डिलाइट फ्रिक्वेंसी, ऐसे सारे ट्रांसेंडेंटल फ्रिक्वेंसी, ऐसे काफी सारे फ्रिक्वेंसीज है जो आप कैसे उस फ्रिक्वेंसी में एग्जैक्टली जाते हुए क्वांटम हैकिंग के जरिए, क्वांटम फील्ड को हैक करते हुए, ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट के जरिए वो वाइब्रेशन को बदलते होते, इमोशन के एक्सपेंशन के जरिए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं. दैट्स व्हाट KiCat इज, अ टूल फॉर दैट, एंड इट हेल्प्स यू ओपन योर पोर्टल्स. आपके बॉडी के जो लेयर वगैरह रहते हैं, यहाँ पे एनर्जी सेंटर पोर्टल्स रहते हैं, वो पोर्टल खोलते हुए आप कैसे अपने लाइफ के अलाइनमेंट और अट्यूनमेंट को ला सकते हैं. दैट इज व्हाट क्वांटम एंटैंगलमेंट कॉन्शियस अलाइनमेंट थेरेपी इज. इफ यू रियली पुल टू इट, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो यू विल फाइंड डिटेल्स. And more to that, you get like a 10 minutes free session with me if you have bought that course, where I help you manifest what you would like to manifest in your life. For sure, I'm sure you will be wanting to manifest something in your career. So maybe your class, we can do a recording. So after you've completed the course.
So thank you. I love a light to all of you. Really, really. Thanks a ton. Thank you. Seriously, thank you. Because without thank this community, I also wouldn't have been here. Thank you. I love you. Love you too. Thank you.